बता दें आपको कि 2 दिन पहले शिवाजी नगर के झगड़ा चाल में टाटा पावर की वजह से जो है आग लग गई थी, जिसमें भारी नुकसान हो गया था और कई लोग आग में झुलस करके गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहाँ के स्थानिक लोगों ने और समाज सेवक समाज सेविका इन लोगों ने मिलकर के झुलसे हुए लोगों को शिवाजी नगर हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड बुला करके आग के ऊपर काबू पाया गया। फिलहाल जो झुलसा हुआ घर था, मतलब जो जला हुआ घर था, उस घर के ऊपर कल रात में टाटा पावर के लोगों को बुला करके वहाँ के स्थानिक समाज सेवक मयूर सारंग ने बुला करके उस घर के ऊपर कार्रवाई की और घर वालों के साथ मिलकर के घर के ऊपर का पहला माला तोड़ने का काम शुरू किया। स्थानिक समाज सेवक मयूर सारंग ने इस घर को तोड़ने को लेकर के क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल किस तरह की कल रात की कार्रवाई थी वो देखिए। मयूर भाई, आज ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो पिछले मतलब दिनों टाटा पावर के वायर की वजह से आग लग गई थी, ये वन बाय वन जो रूम है तो आज इसको तोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और क्यों किया जा रहा है? कल जो घटना हुई तो कल की घटना बहुत दर्दनाक थी और ये हमारे शाहिज भाई है, ये इनका रूम है और इनका बहुत नुकसान भी हुआ है और ये घटना वापिस ना हो इसीलिए हम लोग टाटा जो पावर के जो कर्मचारी हैं इन लोगों को बुला के ये सब तोड़ के ले रहे हैं क्योंकि ये घटना वापिस ना हो इसीलिए। शाहिद भाई, क्या कहेंगे आप, आपके घर का जो ये हाल हुआ है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इस घटना की वजह से सबको पूरे चाली वाले को बचाने के चक्कर में मैंने सबको बाहर लेके गया और आखिर में मेरा ही घर जल गया। कम से कम मेरा 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ, कैश गया, घर के सामान गए, कम से कम मेरा 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ इस घटना की वजह से। फिर भी मैं ये चीज़ को साइड में रख के फिर ये चीज़ मेरे घर वालों पे कभी ना आए इसलिए मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये घर आधे से ज़्यादा तोड़कर इसको मैं ऊपर पत्रा लगा दूँ ताकि हम लोग ऊपर का घर चाहिए नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो गया। इसीलिए कुछ भी भर के नहीं दिया लेकिन फिर भी हमें सिर्फ चाहिए कि ये पूरा लेवल हो जाए और आगे हमारे घर में क्या आजू बाजू किसी को भी नुकसान ना हो।